गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ। जीवन में छोटी छोटी चीजों का आनंद लें, क्योंकि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि वो चीजें ही सबसे बड़ी थी। चलिए इस विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके तारे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे पंचांग पर। आज 23 सितंबर 2024 सोमवार का दिन है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। नक्षत्रों की बात की जाए तो आज रोहिणी नक्षत्र है और चंद्रमा वृष राशि में संचार करेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेष राशि की। आज आपकी मनोकामनाएं दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा। साथ ही पिछले दिन की मेहनत भी आज मेष राशि के जातकों की रंग लाने वाली है। गैर जरूरी चीजों पर धन खर्च करने से आपको बचना होगा। आय में स्थिरता तभी बनी रहेगी। आज आपके व्यवसाय में प्रगति होगी, हालांकि साझेदारों के साथ मतभेद और विवाद संभव है। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी विशेष व्यक्ति के साथ बहस हो सकती है। वित्तीय लेन में आपको आज सतर्कता बरतने की सलाह देने की जो है सलाह दी जाती है। वित्तीय लेनदेन बहुत सोच समझ कर करें। वृष राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, किसी काम में सरकारी सहयोग प्राप्त होने के आसार बन रहे हैं। लाभ के नए मौके आपके सामने आएंगे। आज आपको हर दिशा से सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। खुशी में वृद्धि होगी, हालांकि व्यस्तता के कारण स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। थकान महसूस हो सकती है, मगर आर्थिक तौर पर सुधार तय है। जीवन साथी के साथ आज रिश्ते मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज दान पुण्य करने से आपको मनचाहा लाभ मिलेगा, साथ ही मानसिक संतोष भी। आज अचानक आए खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। आज आपका रुख विनम्र और सहयोगी होगा तो आपको अपने साझेदारों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। रोजगार में वृद्धि की संभावना है। सामाजिक कार्यों में भाग लेने का मौका भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर आप काम शुरू कर सकते हैं। कर्क राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज देखिए, जीवन साथी से सहयोग की कमी आप महसूस कर सकते हैं। चिंता और तनाव का सामना भी आपको करना पड़ेगा। वित्तीय लेन देन में जल्दबाजी और लापरवाही से बचिए, नहीं तो धन की हानि हो सकती है। आज विवादों से दूर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। झंझटों से बचिए। आय में हालांकि स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य भी आज आपका डावाडोल रहेगा। सिंह राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आज आपकी सहानुभूति और समझ को पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला दबाव बना सकता है। दूसरे देश में व्यावसायिक संपर्क बनाना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। किसी नए काम के आगाज के लिए आपको पहले उसके बारे में अनुभवी लोगों से बात कर लेनी चाहिए। आज रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। प्रयास जारी रखें। यात्रा अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभदायक साबित होगी और भाग्य का साथ मिलेगा। कन्या राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, कन्या राशि के जातकों के जो अगर हम बात करें, जो लोग बेरोजगार हैं उनकी समस्या का समाधान मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि नौकरी के रास्ते आपके लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार में वृद्धि की संभावना है। नौकरी अगर आप करते हैं तो पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे अनुकूल है। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को भी सराहना मिलती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते आपको काफी ज्यादा लाभ भविष्य में मिल सकता है। तुला राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो दिन फायदेमंद साबित होने वाला है। हालांकि इस राशि के बड़े कारोबारियों को आज के दिन बहुत सोच समझकर पैसा निवेश करने की जरूरत है। मतभेद के चलते व्यक्तिगत संबंधों में दरार पड़ सकती है। मुश्किल हालात से उबरने में आपके जीवन साथी की तरफ से ज्यादा सहयोग हालांकि आज आपको हासिल नहीं होगा, जो तनाव का एक कारण बन सकता है। इसके साथ ही आज घर और बाहर की गतिविधियों में आपकी रुचि बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर निवेश के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। मेहनत का फल अवश्य मिलता हुआ नजर आ रहा है। घर और बाहर की गतिविधियां जो है वो आज आप एक साथ कर पाएंगे। मुश्किल आपको इसमें नहीं आएगी। लाभ के नए मौके
मौके भी मिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, मगर जोखिम भरे कार्यों से आपको दूर रहना है। नौकरी में आपकी स्थिति में सुधार होगा, उच्च अधिकारियों के साथ रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। हालांकि पारिवारिक चिंताओं में वृद्धि हो सकती है, शत्रुओं से आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। धनु राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आज अगर आप दूसरे लोगों की बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको अपनी समस्याओं का हल मिल जाएगा। निवेश से फायदा हो सकता है, दफ्तर में दिन काफी अहम रहने वाला है। काम के चलते आपकी आज खूब तारीफ भी होगी। आज आप ऑफिस से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम भी कर सकते हैं, आपको अपने लिए भी समय मिल पाएगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार की बात की जाए तो व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन आने वाले समय में व्यापार में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने के जो चांसेस हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद अगर आप पर बना रहा तो सारी मुश्किलें, सारी विपदाएं अपने आप हल हो जाएंगी। मकर राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज आलस्य का त्याग करें, वरना यह आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। किसी सृजनात्मक काम में खुद को व्यस्त रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज मुमकिन है कि आपको धन से जुड़ी कई समस्याओं का भी सामना करना पड़े, इसलिए सूझबूझ से अगर आप काम करेंगे तो हानि को भी मुनाफे में बदल सकते हैं। तनाव का दौर बरकरार रहेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देगा। दफ्तर में दिन हालांकि सामान्य रहने वाला है, व्यापार भी सामान्य गति से ही आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो स्वास्थ्य आपका आज ठीक रहेगा, लेकिन जरूरत है आपको नियमित व्यायाम करने की। रियल एस्टेट या फिर वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा दिन है। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां आज आपको कुछ अच्छा मौके जो है वो दे सकती हैं। आज आप जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव भी कर सकते हैं। प्यार में आपको निराशा हाथ लग सकती है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। खाली वक्त में आज समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करें। मेहनत आपकी ज़्यादा आज रहेगी, लेकिन आपको फल उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि मेहनत का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। बस आज जोखिम भरे काम से आप थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। मीन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आज अपनी सेहत की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य आपका एकदम सही रहने वाला है। आपके आसपास के लोग आपको प्रोत्साहित भी करेंगे और आपकी सराहना भी करेंगे। अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आपको जो है वो मिल सकता है। आज आपकी ऊर्जा का स्तर भी अच्छा रहेगा और आपके आसपास के लोग भी आपके व्यवहार से आज काफ़ी खुश नजर आएंगे। जिस प्रतियोगिता में भी आज आप कदम रखेंगे वहां पर आपको जीत मिलना तय है। इस वक्त आपके सितारे, आप कह सकते हैं कि बुलंदियों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये था आज का राशिफल। कार्यक्रम के अंत में एक पॉजिटिव थॉट। हमेशा एक बात याद रखें, हमें सीमित निराशा स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन असीमित आशा कभी नहीं खोनी चाहिए। चलिए इसी विचार के साथ इस कार्यक्रम में आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।